ये हमने जो बांस है हमने इस तरह से बांध दिए क्रॉस में, और ये ऊपर जो दो डंडे हमने ऐसे लगाए हैं ये रावण के हाथ हैं, ये इसका पेट है और ये इसका नीचे पैर का हिस्सा है। अब जो है हम इसे अखबार से रैप करेंगे और आपको दिखाते हैं। अभी इसमें एक डंडी हमें थोड़ा सा पेट चौड़ा करने के लिए यहाँ पे, और एक जो है यहाँ पे एक डंडी और जोड़नी पड़ेगी जिससे कि इसका पेट थोड़ा सा मोटा लगे, और फिर से कागज़ से रैप करेंगे और दिखाते हैं फिर से पूरा कम्प्लीट कैसे तैयार हो गया रावण हमारा। ये नए तरीके का रावण है, एक रावण मैंने आपको पहले बनाया सिखाया था और एक दूसरे तरीके का रावण आपको अब बनाना सिखा रहे हैं। ये लोहे के तारों से हमने दोबारा से देखिए इस तरह से लोहे के तार से ये सारे बांस जो हैं अब इस तरह से बांध दिए हैं जिससे कि ये हम कैसे मर्जी हिला लें कैसे कर लें, ये पूरा का पूरा ढांचा हमारा किसी भी तरह से हिले ना बिल्कुल भी और बहुत ज़्यादा मजबूती से बन जाए, तो इसलिए लोहे के तार से हमने बांध दिया है। ये जलने के बाद भी बिल्कुल सीधा ही खड़ा रहेगा, इतना मजबूत है ये, है ना। तो इसे मजबूत बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसे कई बार में उठाना है इधर उधर लेके जाना है, तो इसलिए लोहे के तारों का ही इस्तेमाल करेंगे। ढांचे के नीचे जो है हमने अखबार इस तरह से बिछा दिए हैं कि पूरा ढांचा हमारा जो है इसकी बैक साइड जो इसकी पीठ बनेगी वो इस तरह से हमने कवर कर दी है, और इसे हम सेलो टेप से लगाएंगे इस तरह से। फ्रेंड्स इस तरह से हमने जो है पूरे ढांचे की तरफ ये अखबार भर दिए हैं, और जो सा हिस्सा हमें ज़्यादा मोटा करना है वहाँ पे, जैसे कि हमें पेट मोटा करना है तो हम ज़्यादा अखबार भरेंगे, क्योंकि इस बार जो है हमें पुराली नहीं मिल पाई है तो इस बार जो है हम पुराली की जगह अखबार ही भरेंगे। और अगर पुराली हमें मिल गई तो हम बैक साइड से इसे फाड़ के उसमें पुराली भर के और फिर उसे दोबारा से चिपका देंगे। तो फिलहाल ढांचे पे अभी अखबार भरते हैं। देखिए इस तरह से हम अखबार भर रहे हैं, और हमारे अखबार ख़त्म हो गए हैं तो दोनों बच्चे अखबार लेने गए हैं, वो अखबार लेके ले आए तो फिर हम इसमें और ज़रा अखबार भरेंगे अभी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हाथ जो है हमने कवर कर दिया है इस तरह से, जो हमने नीचे कागज़ लगाया था उससे हम जो है जब ये पूरा भर देंगे हम अखबार तो इसे जो है धीरे धीरे हम फोल्ड करके सेलो टेप से चिपका देंगे, और फिर हमें इस पर फिनिशिंग कागज़ चिपकाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा रावण देखना कितना सुंदर बनेगा। अभी फिलहाल हम अखबार भर रहे हैं इसे क्योंकि और मोटा करना है। देखिए बच्चे जो है अभी अखबार भर रहे हैं अभी। और तो फ्रेंड जो ये रफ हमारा रावण तैयार हो गया है, अभी हमने रफ पैक कराए इसे, अभी इसमें थोड़ी सी पुराली भी अगर हमें मिल गई तो पुराली ला के भरेंगे, और इसे फिर फिनिशिंग वाला अखबार फेविकोल से चिपकाएंगे जिससे रंगीन कागज़ चिपकाने से पहले, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसे खड़ा करके देखते हैं कि सही खड़ा हो रहा है ना, कहीं से कुछ गिर तो नहीं रहा है इसमें, सब जगह फिक्स है ना ये। माय गॉड बहुत बड़ा दिख रहा। तो फ्रेंड्स अब जो है हमने थोड़ी सी पुराली लेके आए हैं, ये पुराली जो है अब हमें देखिए रावण में इस तरह से इसे भर रहे हैं,
पीछे से इसे भर देंगे और फिर इस पर आगे पीछे से दोनों तरफ से जो है अखबार जो है फिनिशिंग वाला वो लगा देंगे। तो दिखाते हैं अभी कैसे तैयार होगा ये। अब तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हमने रावण को जो है ना ये पीछे से कागज़ लगा के इस तरह से बिल्कुल साफ़ कर दिया है कि पीछे से इसे बिल्कुल बंद कर दिया है। और इसे आगे से देखेंगे आगे से क्या कंडीशन है इसकी। इनके देखिए क्लॉथ यानी कपड़े बनाने के लिए हमने देखिए ये कागज़ ले आए हैं। और इन कागज़ों को जो है अब हम इस तरह से चढ़ा रहे हैं फेविको लगा के, और देखिए इस तरह से चढ़ा देंगे। अभी तैयार होगा फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज ये देखिए इस तरह से हमारा देखिए रावण को हमने ये पहना दिया है। और अब जो है इसकी मालाएं वगैरह बनाएंगे और इसका मुंह बनाएंगे फिर मुकुट बनाएंगे। तो फिलहाल इतना रावण अभी हमारा तैयार हुआ है, तो आगे का अभी प्रोसेस आपको और दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखिए रावण ये देखिए अब इस तरह से तैयार हुआ है। और जो भी आपको अभी अंदर के भी रावण दिखा देता हूँ। एक रावण ये है, इस पर भी अभी काम चल रहा है, तैयार हो रहा है। अभी फेस रहेगा इनका, फेस बनाना है। तो अभी दिखाते हैं आपको कैसे बनाएंगे अभी। तो फेस के लिए हमने इस तरह से रावण के जो दो तैयार कर लिए हैं, और जो अभी इसमें आँख नाक मुंह बनाने हैं तो बनाएंगे। एक रावण का देखिए बना हुआ है, क्योंकि वो इस वाले रावण का है। ये रावण आपको सबसे पहले वीडियो में दिखाया था मैंने, ठीक है ना। ये मतलब इसे इसके ऊपर फिट कर देंगे तब ये पूरा इतना बड़ा रावण बन जाएगा, कम से कम 5-6 फुट का, ज़्यादा बताओ ज़्यादा 8-8 फुट का। और ये तो होगा ही अपना 9 फुट का लगभग रावण, और बाहर वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो अभी कंप्लीट करके दिखाता हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स ये देखिए हम जो हैं ये लड़िया लेके आए हैं जो कि रावण में लगेंगी हमारी, और ये वाले जो हैं बुलेट बम उसके चेहरे में लगेंगे, क्योंकि जब रावण जलेगा उसका चेहरा बिल्कुल फट जाना चाहिए। तो इस तरह से हम इसमें पटाखे फिट करेंगे, वो तो हम जब जलाएंगे तभी फिट कर देंगे। फिलहाल अब रावण को तैयार कर रहे हैं, वो बिल्कुल फाइनल अब रावण तैयार होने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए रावण का चेहरा तैयार हो रहा है। पूरा चेहरा दिखा